तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए और एक फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्वराज 733 एफी का नया मॉडल ट्रैक्टर, जो कि स्वराज कंपनी ने रीलॉन्च कर दिया है। और दोस्तों, पुराने ट्रैक्टर में से बहुत से चेंजेस है इस ट्रैक्टर में, बहुत चेंजेस है दोस्तों। जैसे पहले ये ट्रैक्टर 2 सिलेंडर में आता था, अभी ये ट्रैक्टर आता है 3 सिलेंडर में। और दोस्तों, इस ट्रैक्टर को जो है 33 HP में पहले स्वराज लॉन्च करता था, अभी ये ट्रैक्टर का HP सेगमेंट बढ़ा दिया गया है, बढ़ा के इस ट्रैक्टर को 35 HP का कर दिया गया है। और भी काफ़ी बदलाव हुए हैं दोस्तों इस ट्रैक्टर में, तो चलिए उन सभी बदलावों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ऐसे ही ट्रैक्टर से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको इस ट्रैक्टर का प्राइस डिटेल्स और वारंटी के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसके लुक्स की अगर हम बात करें तो वही पुराना लुक्स जैसा कि स्वराज अपने सभी ट्रैक्टरों में देती आ रही है, वही लुक्स है इस ट्रैक्टर का भी। लेकिन दोस्तों, इस ट्रैक्टर में 2 कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जो कि है एक ब्लू कलर और एक रेड कलर। 2 कलरों में आपको ये ट्रैक्टर मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। दोस्तों, इस ट्रैक्टर की हम अगर लाइट्स की बात करें तो आपको फ्रंट में 2 हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं और पीछे मड़गाड़ में 4 टेल लैम्प्स मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि इंडिकेटर वगैरह होते हैं। इसकी एक्सेसरीज की बात करें तो फ्रंट में आपको हैवी ड्यूटी बम्पर मिल जाता है, जो कि आपके ट्रैक्टर के शो को कहीं बजने से बचाता है। और ऊपर आपको कंपनी फिटेड कैनोपी मिल जाता है दोस्तों, जो कि आपको धूप से बचाता है, यही बहुत ही बढ़िया रहता है कंपनी द्वारा। दोस्तों, आपको इसके इंजन की बात करूँ तो आपको इसमें 35 HP का 3 सिलेंडर वाला इंजन मिलता है, 2572 cc का, 2000 रेटेड RPM में ये अपना पूरा पावर जनरेट करता है। आप तो जानते ही होंगे स्वराज के इंजन तो बहुत ही दमदार होते हैं। इस ट्रैक्टर की अगर हम एयर क्लीनर की बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में 3-स्टेज ऑयल बाथ टाइप एयर क्लीनर मिलता है, जो कि आपके इंजन को बहुत ही शुद्ध और साफ हवा पहुंचाता है, जहां भी धूल के काम में भी ये अपना काम जारी रखता है। इस ट्रैक्टर में कूलेंट कूल्ड इंजन मिल जाता है दोस्तों, जो कि आपको ठंडी हो गर्मी हो आपके इंजन को साफ ठंडा रखता है। इसमें ट्रांसमिशन की बात करें तो 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स वाला आपको इसमें गियरबॉक्स मिल जाता है, जहाँ आप जैसा चला सकें उस गियर में आप चलाएंगे तो बढ़िया रहेगा। इस ट्रैक्टर के क्लच की अगर बात करें तो आपको इसमें सिंगल क्लच और डुअल क्लच दोनों का विकल्प मिल जाता है। इस ट्रैक्टर के ब्रेक्स की बात करें तो दोस्तों, इसमें OIB ऑयल ब्रेक्स मिलते हैं, ऑयल इमर्स्ड ब्रेक्स। इसकी स्टीयरिंग की अगर बात करें तो दोस्तों, आपको इसमें पावर स्टीयरिंग और मैनुअल स्टीयरिंग दोनों का विकल्प मिल जाता है, आपके अनुसार आप चूज कर सकते हैं। इसकी हम हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो इसमें आपको ADDC हाइड्रोलिक्स मिलते हैं PCDC लीवर के साथ, जैसा कि सभी ट्रैक्टरों में आपको मिलता है। 3-पॉइंट लिंकेज भी है दोस्तों इसमें। इसकी PTO की बात करें तो आपको इसमें 27.5 HP का PTO मिलता है, जो कि होता है पावर टेक ऑफ। दोस्तों, इसमें 540 RPM के साथ आपको ये PTO मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया काम करता है दोस्तों। इस ट्रैक्टर की हम अगर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर में 1300 kg का लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलता है, जो कि आप भारी से भारी उपकरण आसानी से अपने ट्रैक्टर में चला सकते हैं। इस ट्रैक्टर की टायर की बात करें तो फ्रंट टायर आपको 616 में मिलता है और रियर टायर 12/4/28 में मिलता है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही फायदाग्रस्त है, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ग्रिप बनाता है।
इस ट्रैक्टर की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल टैंक आपको इसमें 46 लीटर का मिलता है, 46 लीटर का दोस्तों, जो कि आप दिन भर आराम से काम कर सकते हैं अपने ट्रैक्टर से। इस ट्रैक्टर में आप कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, उसके बाद ट्रॉली, आटा चक्की, टैंकर, हैरो, रीपर और अल्टीनेटर जैसे भारी से भारी उपकरण आसानी से आप चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। दोस्तों इस ट्रैक्टर की वारंटी की हम अगर बात करें तो आपको वही 2 साल की वारंटी मिलती है कंपनी। और दोस्तों इस ट्रैक्टर की हम अगर प्राइस की बात करें तो आपको ये ट्रैक्टर 550,000 से 580,000 के अंदर मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।